अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आ रही हूँ क्रिस्पी गार्लिक ब्रेड विदाउट ओवन। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैंने ले लिया 100 ग्राम बटर। इसको मैंने कांटे की मदद से इस तरह से मिक्स कर लिया था कि ये ना ज़्यादा लिक्विडी हुआ ना ज़्यादा गाढ़ा हुआ, बिल्कुल क्रीमी है। साथ ही साथ चीज़ डेली मोज़रेला 1 कप ऑप्शनल है। ओरिगानो पाउडर ले लिया मैंने 2 पिंचेस। अगर आपके पास ओरिगानो लीव्स हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर यानी धनिया 1 टेबल स्पून ले लिया, और गार्लिक ले ली मैंने क्रश 1 टीस्पून। इसको इस तरह से क्रश किया, ना ही ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला, बिल्कुल नॉर्मल है। इसी के साथ साथ अब मैंने ले लिया नमक 1 पिंच। वो इसलिए क्योंकि जो मेरा बटर है वो है सॉल्टेड। अगर आपका बटर अनसॉल्टेड हो तो आपने 2 पिंचेस सॉल्ट लेना है। और 2 पिंचेस ले ली मैंने चिली फ्लेक्स, जितना ओरिगानो पाउडर होगा उतनी ही चिली फ्लेक्स। और फ्रेंच ब्रेड ले ली है मैंने, एक इजीली अवेलेबल हो जाती है आपको बेकरीज से। अब नाज़रीन, हम अपने इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर लेंगे। सबसे पहले बटर में मैं डालने जा रही हूँ गार्लिक, जो कि क्रश कर लिया है मैंने अच्छे से। थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ, अच्छे से मिक्स करना है इसे हमने पहले। वापसी में थोड़ा सा और ऐड कर दूंगी इसमें। इसी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। अब इसमें मैं सॉल्ट ऐड करूंगी सिर्फ 1 पिंच, क्योंकि मेरा जो बटर है वो है सॉल्टेड, इसलिए मैं सिर्फ पिंच ऐड कर रही हूँ। और इसी के साथ साथ ओरिगानो पाउडर 2 पिंचेस में मैं ऐड कर रही हूँ। कि जो मैं स्पून यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास ये पिंच वाला मेजरिंग स्पून है, तो मैं बिल्कुल इसी से मेजरिंग करके कर रही हूँ। तो आपने भी कोशिश करना है कि मेजरिंग स्पून यूज़ करें आप लोग भी। इसी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। इसके बाद चिली फ्लेक्स डालेंगे 2 पिंचेस के हिसाब से, सेम स्पून यूज़ कर रही हूँ मैं। ठीक है, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर ऐड करेंगे, जो कि मैंने लिया तो 1 टेबल स्पून था, मगर आप चाहें तो थोड़ा सा छोड़ भी सकते हैं, जैसे कि मैं छोड़ रही हूँ और मैंने अपनी मर्जी से ऐड कर लिया है। तो इट्स अप टू यू कि आप जितना ऐड करना चाहें। अब देखें, ये बैटर बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से थिक सा बैटर होगा, ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं अपनी फ्रेंच ब्रेड को कट कर लूँगी बिल्कुल इसी तरह क्रॉस में, अच्छे से। इसके जो हमने पीसेस करने हैं वो ज़रा मोटे पीसेस रखने हैं। देखें, बिल्कुल इस तरीके से ये होंगे सारे, मैंने क्रॉस में कट कर लिए हैं। अब मैं इसकी बटर की जो है थिन लेयर लगाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल भी आपने इसको भरना नहीं है, थिन सी लेयर लगेगी। सारे स्लाइस पे मैं लगा दूंगी थिन सी लेयर, बिल्कुल या कम, ज़्यादा हम इसको इसमें भरते नहीं हैं। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से पतली लेयर लगेगी बटर नाइफ की हेल्प से। और अगर आपको फ्रेंच ब्रेड अवेलेबल ना हो इजीली, तो आप ये बैटर इजीली जो घर की जो ब्रेड होती है वाइट ब्रेड, उस पर भी लगा कर बना सकते हैं। बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। उस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, चलें ये देखें, अब हमारी ब्रेड बिल्कुल रेडी है। अब प्री हीटेड मैंने पैन कर लिया था इसको, 5 मिनट्स से हो रहा था ये। तो इसमें मैं अपनी 3 ब्रेड रख दूँगी एक वक्त में 3, और इसको वापस से कवर करके इस पर वेट रख दूँगी 45 to 50 seconds। अब देखें, इसकी जो एक साइड है वो हो चुकी है, तो मैं इसको टर्न कर दूंगी। और अब इस पे मैं मोज़रेला चीज़ डाल दूंगी। अभी आप पर है कि आप डालना चाहते हैं या नहीं। ज़्यादा डालेंगे तो ऑब्वियसली अच्छा टेस्ट भी आएगा, अगर नहीं डालेंगे तो वो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि गार्लिक ब्रेड ज़्यादातर विदाउट चीज़ ही होती है, मगर आजकल चीज़ सब पसंद करते हैं, तो इस वजह से मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ। तो आपने चीज़ डाल कर इसको फिर कवर करना है 20 to 30 seconds के लिए। तो अब हमारी गार्लिक ब्रेड तैयार हैं, इनको हम डिश आउट कर लेते हैं।
नाज़रीन, हमारी क्रिस्पी गार्लिक ब्रेड विदाउट ओवन तैयार है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी। बनाइए और खाइए, और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को करें लाइक एंड कमेंट।